अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लगभग बच्चे लाइव आ चुके हैं बेटा। तो सबसे पहले जो वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हमने लास्ट टाइम बेटा हमने पढ़ा था, और वो दो चीज हमने पढ़ी थी। एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था, और दूसरा बेटा हमने पढ़ा था वो था अपने पास रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ ए गन, और तीसरा छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा था कंकरेंट ऑफ ए फोर्सेज। एक बात मैं आपको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करवाता हूँ बेटा, कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अंदर फॉर्मूला पढ़ा था एम वन वी वन एम टू वी टू इज इक्वल्स टू एम वन यू वन प्लस एम टू यू। एक फॉर्मूला तो हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ये पढ़ा था बेटा, या इसका मीनिंग हमने पढ़ा था इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। दूसरा फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था इनिशियल मोमेंटम है बेटा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर। अगर दूसरे में बात करते हैं तो हमने रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला पढ़ा था माइनस एम बी डिवाइडेड बाई कैपिटल, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन के लिए, ठीक है। और इसके बाद तीसरा छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कंकरेंट फोर्सेज। कंकरेंट फोर्सेज क्या होते थे, कि एक ऐसे फोर्स जो सेम पॉइंट से और सेम टाइम के ऊपर आपके पास एक्ट होते हैं, जैसे ये था अपने पास एफ वन एफ टू एफ थ्री, इसी पॉइंट के ऊपर। तो तीनों ये फोर्स भी इसी पॉइंट से, एफ वन एफ टू भी इसी पॉइंट से, एफ थ्री भी। तो ऐसे फोर्स जो एक्ट करते हैं सेम पॉइंट के ऊपर और सेम टाइम के साथ, तो ऐसे फोर्स को किस नाम से जाना जाता है, कंकरेंट फोर्सेस के नाम से जाना जाता है। ये टॉपिक बेटा यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। आज हम अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक आगे पढ़ने जा रहे हैं, और वो आप ध्यान से देखें। सबसे पहले अपनी नोटबुक साथ में रखें सभी बच्चे, और इस टर्म को समझते जाएं। सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास कंसेप्ट आता है, और वो बेटा आपके पास आती है सबसे पहले देखो लेमीज थ्योरम आपके पास सबसे पहले आती है। क्या होती है, कैसे हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। तो पहला कंसेप्ट ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, तो एक बार रेज योर हैंड्स अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच पा रही है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू बेटा नेहा, थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेमीज थ्योरम में, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है राइट डाउन कर लें बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम If three forces acting on a particle keep it in equilibrium, then each force is proportional to sine of angle between other two forces। ये कंसेप्ट आपके पास कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, तीन फोर्स अगर किसी पार्टिकल के ऊपर लगते हैं और वो उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखते हैं, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। और इसका फॉर्मूला बेटा ये होता है, हम इसका प्रूफ करेंगे।
एफ वन इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एफ टू इज इक्वल्स टू साइन बीटा और इज इक्वल्स टू एफ थ्री इज इक्वल्स टू साइन। ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है, ये डेफिनेशन है, हम इसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से प्रूव करेंगे और इसको समझें। एक बार यहाँ तक सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको राइट डाउन कर लें। थैंक यू बेटा संजना। देखो अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल की पीटी निकली हुई है, तीन फोर्स ले लेते हैं बेटा हम। सपोज दैट हमने ये फोर्स ले ली, ये एफ वन है, यहाँ एफ टू है और यहाँ एफ थ्री। ये एफ टू है और ये एफ थ्री, तीन फोर्स। तीनों कहता है कि ऐसे लगने हैं कि कीप इट इन इक्विलिब्रियम, कि क्या हो इक्विलिब्रियम। तो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था कि इक्विलिब्रियम ऐसे भी हो सकता है, जैसे दो फोर्स ये लगे और एक नीचे की तरफ हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर हो। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लो ये और ये बेटा कितना, पांच न्यूटन, और नीचे अकेला कितना हो, पांच न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और नेट फोर्स अगर जीरो तो कंडीशन कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम। कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम कंडीशन का मीनिंग बेटा क्या होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशन का रियल मीनिंग होता है कि नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो, जीरो। तो इसका मतलब अगर हम तीनों फोर्स ऐसे लें कि वो उस बॉडी को किस में रखे, इक्विलिब्रियम में। पहली कंडीशन लेमनीज थ्योरम की कि कितने फोर्स हो गए, तीन, और वो किस में रखे उसको, सबसे पहला काम है उसको किस में रखें, इक्विलिब्रियम। तो हमने तीन फोर्स ले लिए बेटा, एक दो और तीन, तीनों फोर्स हमने यहाँ पे लिए हैं और इस बॉडी के ऊपर ये लगे हुए हैं इस पोजीशन में। तो कहता है कि तीनों फोर्स जब इस बॉडी के ऊपर लगे हैं, कीप इट इन इक्विलिब्रियम, तो ये रिजल्टेंट अकेला और इन दोनों के रिजल्टेंट जो भी होगा वो इस फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होगा। इस फोर्स के क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी। तो कहता है कि देन ईच फोर्स, प्रत्येक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, प्रत्येक फोर्स मतलब एफ वन एफ टू एफ थ्री इज प्रोपोर्शनल टू, वो प्रोपोर्शनल होगा बेटा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्स। जैसे एफ वन है बेटा, ध्यान से समझना, इस एफ वन, तो एफ वन प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों एंगल के बीच जो एंगल होगा ना, दोनों फोर्स के बीच जो एंगल, तो इन दोनों फोर्स के बीच मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए एंगल मान लिया अल्फा, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों के बीच ये एंगल मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया बेटा बीटा, कितना मानना बीटा, और इन दोनों के बीच ये एंगल मान लिया मैंने थोड़ी देर के लिए गामा, ये हमने बेटा थोड़ी देर के लिए क्या माना, गामा। देखो सबसे पहला काम कि एफ वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल, तो साइन ऑफ एंगल तो मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा। देखो बिटवीन अदर टू फोर्स, तो एफ वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस एंगल के, साइन एंगल के जो अदर दो फोर्स के बीच में बना है। तो अदर दो फोर्स कौन है, एफ टू और एफ थ्री, तो एफ टू और एफ थ्री के बीच कौन बना है, अल्फा, अल्फा के साथ क्या लगा दो, साइन, तो एफ वन बटा साइन अल्फा लिख सकते हैं, एफ वन बटा में आ जाएगा बटा साइन। ऐसे ही देखो एफ टू है, अब एफ टू की बात करूं तो एफ टू अदर दो क्या है, एफ वन और एफ थ्री, एफ वन और एफ थ्री में एंगल कितना है, बीटा। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो क्या बनेगा डेफिनेशन, एफ टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, साइन बीटा। ऐसे ही देखो एफ थ्री, एफ थ्री के दो वेक्टर, दो फोर्स बचे कौन कौन से, एफ वन और एफ टू, इन दोनों में कितना एंगल है, गामा, तो एफ थ्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, साइन गामा। बेटा माइक ऑफ करें, जिसका भी माइक ऑन है माइक ऑफ करें बेटा। अब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल के ऊपर तीन फोर्स लगते हैं, कीप इट इन इक्विलिब्रियम और इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रखते हैं, देन ईच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। तो ये कहता है कि प्रत्येक फोर्स
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल किसके डायरेक्टली कि अदर दो फोर्स बचे उनके बीच जो एंगल होगा। तो जैसे मैं एफ वन की बात करूं तो अदर दो फोर्स बच के एफ टू और एफ थ्री, तो एफ टू और एफ थ्री में एंगल कितना है साइन अल्फा। जैसे मैं एफ टू की बात करूं तो अदर दो फोर्स बच के एफ वन और एफ थ्री, तो इसमें एंगल कितना हो गया बीटा। अगर मैं एफ थ्री की बात करूं तो अदर दो फोर्स बच के एफ वन और एफ टू, तो इसमें एंगल कितना हो गया गामा। तो एफ वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन अल्फा, F2 directly proportional sin beta और F3 directly proportional to sin gamma। तो इसको बटे में लिख सकते हैं F1 बटा sin alpha, F2 बटा sin beta, F3 बटा sin gamma और ये तीनों बराबर कंडीशन होंगी। ये होती है बेटा लेमनिस थ्योरम के डेफिनेशन। और इस थ्योरम के अंदर तीन फोर्स लगाए जाते हैं जिनमें प्रत्येक फोर्स बच गए दो फोर्स के बीच जो एंगल होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वो भी साइन एंगल के साथ। किसके साथ है साइन एंगल। यहां तक डेफिनेशन में किसी बच्चे को डाउट है तो बेटा बताएं, अदरवाइज हम इसको रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो रेज योर हैंड्स। रफ कर दे बेटा। देखते हैं आप इसका प्रूफ बेटा, हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ की बात करते हैं सबसे पहले, लेमिस थ्योरम का हम प्रूफ करते हैं बेटा। तो वही कंडीशन हम लेके चलते हैं। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल O under the equilibrium condition due to three कंकरेंट फोर्सेस। एक पार्टिकल है बेटा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है और तीन फोर्स के कारण, और तीनों फोर्स कह रहा है वो कंकरेंट फोर्स है। कंकरेंट फोर्स मैंने बता दिया कि जो एक ही जगह से और सेम पॉइंट से लगे, ऐसे फोर्स को नाम दिया जाता है, वो आपके पास कहा जाता है क्या कंकरेंट फोर्सेस। तो यही एग्जाम्पल लिया था बेटा, वही हम ले लेते हैं। बोलो इस साइड अपना क्या था एफ वन, ये अपने पास जो अभी अभी एग्जाम्पल हमने पढ़ा था वो अपने पास बेटा F2, और ये एग्जाम्पल जो अपने पास था ये क्या था, यही कंडीशन हमने माननी थी यहाँ से। तो F1, F2, F3 देखो एक ही पॉइंट से लगे इस पॉइंट से, तो ऐसे फोर्स को कहा जाता है कंकरेंट फोर्स। लेमनिस थ्योरम ने किसके लिए कहा, तीन फोर्स के लिए। तो हमने यहाँ पे कितने माने, तीन फोर्स। F1 ये फोर्स है तो बच गए दो कौन से, F2 और F3, इन दोनों के बीच एंगल क्या बनेंगे अल्फा। F2 ये है तो बच गया F3 और F1, तो इस दोनों के बीच एंगल कितना मानेंगे बीटा। और अब आपके पास देखो F3, तो F3 के अलावा कौन बच गए, F2 बच गया और F1, तो इन दोनों में एंगल कितना बन जाएगा, यही कंडीशन हमने ली थी। अब हम इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है बेटा। यहां तक सभी बच्चों को अच्छे समझ में आया होगा। हम इनको क्या करते हैं प्रूफ करने के लिए, इन तीनों फोर्स को एक ट्रायंगल की फॉर्म में लिखते हैं। देखो सपोज दैट F1 फोर्स ये, यही डायरेक्शन F1 फोर्स की, ध्यान से देखना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है F1 फोर्स। अब देखो F2 किधर है अपना, ऊपर की तरफ। F2 अपना किधर है बेटा, इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो अपने पास कंडीशन क्या है, ट्रायंगल की फॉर्म में लिख देते हैं, ये फोर्स हो गया F3 बेटा। अपने पास किधर है, नीचे, ये फोर्स बेटा अपने पास F3। अब आप कहोगे जी ये ट्रायंगल की फॉर्म में कैसे बना। तो बेटा मैंने आपको कहा था कि अगर ये सिचुएशन हो,
ये सिचुएशन, तो भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो। और अगर तीनों फोर्स सेम ऑर्डर में यहां से चले थे और यहीं आप वापिस आ गए तो भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी तीन फोर्स है बेटा, इसी पॉइंट से ऐसे चलाए फिर ऐसे चले फिर यहीं वापिस आ गए तो भी कैसी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर तीनों वेक्टर का ऑर्डर सेम है और यहीं चले थे और यहीं वापिस आ गए तो भी नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो। और यहाँ के ऊपर भी नेट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो हमने इन फोर्स को इस फॉर्म में बनाया, यहाँ पे भी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो हम इसको भी कह सकते हैं, ये भी सिचुएशन जो आपके पास आ जाए कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो भी हम कह सकते हैं वहां पे कि नेट फोर्स जीरो होगा, कि जस्ट पॉइंट से हम चले थे, इस पॉइंट से हम चले थे, यहीं पे गए फिर ऊपर गए फिर इधर ही आ गए, तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या लगा, जीरो। क्योंकि तो हमने कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं किया, सेम कंडीशन पे थे वहीं पे आके हम खड़े हो गए, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी जीरो। तो इस फोर्स को देखो F1 ये एरो से डिनोट कर रखा है, F2 बेटा ऊपर की तरफ, F3 बेटा नीचे की तरफ, तो F2 ऊपर की तरफ और F3 किधर हो गया, नीचे की तरफ। इस फॉर्म में बेटा हमने इसको डिनोट कर दिया। अब मैं आपको इसके अंदर कंडीशन बताता हूं क्या क्या आपने कंडीशन यहां से निकाली है। देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अगर हम बात करते हैं सबसे पहले बेटा, तो एक कंडीशन आप ध्यान से देखें कि ये F1 है और ये क्या है, F3। तो आप यहाँ आ जाओ बेटा, F1 और आपके पास F3। देखो एक बार प्रत्येक विद्यार्थी की स्क्रीन के ऊपर नजर होनी चाहिए और ध्यान से समझेंगे, ये फोर्स बेटा F1 है और ये फोर्स बेटा F3 है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है, बीटा। तो ये फोर्स F1 है और ये मैंने आगे बढ़ाते हुए देखो ऐसे बढ़ा रखा है, ये तो F1 और F3 के बीच जो फोर्स है बेटा एंगल है वो कितना है, बीटा। तो यहाँ बेटा मैं लिख देता हूँ इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है, ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ से। दूसरे केस के अंदर देखो इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ ये पहचान करने के लिए, ऐसे तो ये है तो F1। अब देखो ये F1 और ये क्या है F2, F1 और F2 के बीच बोला एंगल कितना है, गामा। सेम चीज लिया हमने इसको, तो यहां मैं लिखूंगा बेटा ये एंगल कितना हो गया, गामा। अब देखो बच गया कौन, F2 और F3, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लो ताकि आप अच्छे समझ जाए, तो आपने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं बेटा इसको। F2 और F3 के अंदर जो एंगल बनेगा ये, और ये एंगल आपके पास कितना बना, बोलो तीनों एंगल डिराइव कर लिए कि नहीं कर लिए, ध्यान से देखेंगे आप, ये F1 और ये लाइन F3, तो F1 F3 में कितना हो गया, बीटा। ये लाइन बेटा F1 और ऊपर की तरफ कौन सा है, F2। देखो ये F1 और F2 में कौन सा हो गया, गामा लिख लिया। इसके बाद देखो F2 और F3 में कौन सा है, अल्फा, तो यहाँ कौन सा लिखा हमने। अब मेरा प्रत्येक विद्यार्थी बताएगा कि अगर बेटा ये एंगल बीटा है तो ये बच गया ये एंगल कितना होगा, ये बताओ कौन बताएगा, बोलो ये एंगल कितना, थैंक यू बेटा, ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा, तो मतलब 180 को पाई, तो पाई माइनस बीटा। तो सेम देखो बेटा ये भी 180 का बनेगा कंप्लीट, तो ये गामा है, तो ये वाला हिस्सा जो बच गया तो ये बचेगा पाई माइनस गामा, बोलो कितना बचेगा, पाई माइनस गामा। ऐसे देखो ये एंगल बाहर कितना, अल्फा, तो ये बचेगा पाई माइनस का, बोलो कितना बचेगा, पाई माइनस का। इस डायग्राम में किसी को दिक्कत है तो बेटा पूछे, बिल्कुल सिंपल, इसको तोड़ के और एक ट्रायंगल की फॉर्म बनाई है, अल्फा बीटा गामा एज इट इज लिखे हैं, तो अंदर वाले एंगल बन गए पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा और पाई माइनस का अल्फा, यही फॉर्मूले आपके पास है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बता, कर लेंगे यहां तक। इसके बाद देखें हम, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आपके पास एक फॉर्मूला आता है, और ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन फॉर्मूला, इन ट्रायंगल फॉर्म, साइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल फॉर्म। ट्रायंगल फॉर्म में साइन फॉर्मूला क्या कहता है वो एक बार ध्यान से, अगर मैं साइन फॉर्मूले की बात करूं ट्रेंगल के अंदर, तो
क्या कहता है साइन फॉर्मूला, या आपने ट्रिग्नोमेट्री बेटा अभी नहीं पढ़ी होगी, उसी के अंदर आता है साइन को साइन ट्रेंगल की फॉर्म। तो देखो जो एफ वन फोर्स है ये साइड है, इसको नाम दे दिया मैंने थोड़ी देर के लिए, हम इसको नाम दे देते हैं बेटा ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, साइन फॉर्मूला क्या कहता है कि जो ए बी साइड है ए बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अपने सामने जो एंगल होगा। तो अपने सामने ए बी के बिल्कुल सामने देखो कौन सा एंगल है, पाई माइनस का एल। ऐसे अगर मैं कहूँ बी सी साइड, बी सी साइड तो इसके बिल्कुल सामने कौन सा एंगल है, पाई माइनस बीटा। और इसके मैं कहूँ ए सी साइड, ए सी के बिल्कुल सामने कौन सा एंगल है, पाई माइनस का गामा। तो साइन फॉर्मूला कहता है कि जो साइड है उसके सामने जो एंगल है तो वही उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वही उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर मैं यहाँ बात करूं बेटा तो देखो एक बार ए बी साइड, तो ए बी साइड क्या है मतलब एफ वन, तो एफ वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं लिख के दिखा देता हूँ एक बार, आपको लिखना नहीं है। तो एफ वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइन पाई माइनस का अल्फा। ऐसे देखो बी सी साइड एफ टू, तो एफ टू बेटा यहाँ पे होगा साइन पाई माइनस का बीटा, क्योंकि देखो एफ टू के बिल्कुल सामने पाई माइनस बीटा। और एफ थ्री ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पाई माइनस का गामा, साइन पाई माइनस का। तो जो साइड होगी उसके बिल्कुल सामने जो एंगल होगा वो साइन एंगल उसे के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये कहलाता है साइन फॉर्मूला, क्या कहलाता है, साइन। तो अब यहां से मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, एफ वन मैंने बताया था साइन पाई माइनस अल्फा, नीचे ले आएंगे इक्वल्स टू एफ टू साइन पाई माइनस का बीटा। और यहां अगर मैं बात करूंगा तो एफ थ्री साइन पाई माइनस का, ये सिचुएशन आपके पास बनेगी अकॉर्डिंग टू साइन फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू साइन फॉर्मूला बेटा हमने ये निकाला एफ वन बटा साइन पाई माइनस अल्फा, एफ टू बटा साइन पाई माइनस बीटा और एफ थ्री बटा साइन पाई माइनस का गामा। फिर एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहां तक मेरा प्रत्येक विद्यार्थी इसको उतार लेगा और डाउट है तो मेरे से पूछ। उतार लिया बेटा संजीव, थैंक यू बेटा। देखें हम इसमें बात करते हैं इससे आगे, बिल्कुल एक ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला और लगाना है, साइन 180 माइनस थीटा। याद रखना बेटा साइन थीटा ही है। अगर आपके पास आ जाए साइन 180 माइनस थीटा कभी भी तो वो हमेशा क्या होगा, साइन थीटा के बराबर होगा। तो देखो यहां अगर बात करें तो साइन पाई माइनस अल्फा मतलब 180 माइनस अल्फा, तो मैं लिख सकता हूं बोलो एफ वन बटा साइन पाई माइनस अल्फा, तो 180 माइनस अल्फा तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फा। बोलो क्या लिखोगे, साइन अल्फा। इस फॉर्मूले का यूज कर लिया। ऐसे ही देखो एफ टू साइन 180 माइनस बीटा, तो साइन बीटा लिखा जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही एफ थ्री निकालोगे तो साइन 180 माइनस गामा, तो क्या लिखा जाएगा, साइन गामा। बोलो यही तो चीज आपको बताई थी, यही डेफिनेशन आपको लिखवाई थी कि एफ वन बटा साइन अल्फा, एफ टू बटा साइन बीटा और एफ थ्री बटा साइन ए गामा। एफ वन ये फोर्स, बच गए दो एंगल, दो फोर्स इनके बीच के एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एफ टू ये फोर्स, बच गए दो फोर्स उनके बीच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल के। एफ थ्री फोर्स जो बच गए उनके बीच के एंगल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको हम लिख सकते हैं एफ वन बटा साइन अल्फा, एफ टू बटा साइन बीटा, एफ थ्री बटा साइन ए गामा। ये आपके पास थी बेटा लेमीज थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताएं।
उतार लिया सभी ने थ्योरम। अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बता रहा हूँ और आप हर टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम करवाता जा रहा हूँ और इसकी भी प्रॉब्लम आप अपने आप करेंगे अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। बात करते हैं सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। लैमनीज थ्योरम का बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ध्यान से देखें सारे डाउट यहीं क्लियर हो जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन के ऊपर है और प्रत्येक विद्यार्थी इसको अच्छे से रीड करे पहले, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं बेटा। और जिसका माइक ऑन है बेटा वो जल्दी शो कर ले। थैंक यू, जल्दी से ऊपर। थैंक यू बेटा। देखो ए बाल ऑफ मास 180 किलोग्राम हैंग इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम टू स्ट्रिंग OA एंड OB एज शोन इन फिगर। ठीक है, एक आपके पास OA है और एक आपके पास OB। व्हाट आर द टेंशन स्ट्रिंग इन द OA एंड OB, ये आपके पास डायग्राम है। सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान से देखेंगे, कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपके पास है बेटा। और ये फोर्स नीचे, तो आप देख पा रहे हैं कि एक फोर्स ये T1 है, ये T2 है और ये नीचे दिखा दिया इसने 1 किलोग्राम वेट। और मैंने कहा था 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन के बराबर होता है और जनरली हम कैलकुलेशन में क्या लिख लेते हैं 10 न्यूटन। तो ये आपके पास एक तीसरा फोर्स हो गया, तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए T3 नाम दे देता हूँ। डायग्राम में तो नहीं दे रखा लेकिन हम इसको क्या नाम दे देते हैं, T3 नाम। आप एक बात देखना, क्या यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं बेटा, T1, T2 और T3। पहला कंडीशन बोलो ये कैसे फोर्स है, कोई भी विद्यार्थी बताओ कैसे फोर्स है बेटा, ये कंकरेंट फोर्सेस। देखो इसी पॉइंट से तीनों फोर्स, इसी पॉइंट से तीनों फोर्स, दो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, 100% इक्विलिब्रियम कंडीशन बन सकती है। बोलो क्या बन सकती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन बन सकती है। और अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है और तीनों फोर्सेस फोरम में लगे हुए हैं तो हम यहाँ पे लैमनीज थ्योरम लगा सकते हैं। बोलो क्या लगा सकते हैं, लैमनीज थ्योरम। तो ये एंगल इसने कितना दे रखा है बेटा यहाँ पे 30, ये कितना दे रखा है यहाँ पे 60, बोलो दे रखा है। आप एक बार डीपली समझने के लिए ये लाइन लगा के देखो, ये लाइन, तो ये एंगल बोलो कितने का होगा, 90 का। और ये एंगल इसके साथ बोलो कितने का होगा, 90, बोलो बनेगा। तो ये अगर 30 का है तो 100% बोलो ये भी कितने का होगा, 30 का, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। बोलो कैसे एंगल है, अल्टरनेट, बोलो 30 का बनेगा। और ये बेटा अगर 60 का है तो ये भी कितने का बनेगा, 60 का। बोलो कितने का बनेगा, 60 का। ठीक है, अब एक बात बताएं कि अगर ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 180 का होता तो 60 जमा 30 कितने हो गए, 90, और 90 और तो ये एंगल कितने का बन गया, 90। ये किसी को डाउट है इसके अंदर? तो देखो ऊपर जो मैंने रेड मार्क से कर रखा है 30 प्लस 90 120 प्लस 60 180, तो पूरा 180 का बन गया कि नहीं बन गया, हाफ सर्कल। ठीक है, तो क्या किया मैंने, ये लाइन डाली है, ये लाइन डाल के इसके साथ परपेंडिकुलर 90, यहाँ ये परपेंडिकुलर 90, ये अगर 30 है तो अल्टरनेट भी 30, ये अगर 60 है तो अल्टरनेट भी क्या बन गया, 60, तो ये कितने का हो गया, 90। अब आप देख पाएंगे मैं इसका दूसरा डायग्राम बनाता हूँ और प्रत्येक विद्यार्थी ध्यान से समझे इस चीज को। सेम डायग्राम में दूसरा बनाता हूँ, ये दो फोर्स है ऊपर की तरफ बेटा, ऐसे दो फोर्स है ऊपर की तरफ,
तीसरा फोर सेवेटा नीचे की तरफ, इसका नाम है टी टू, इसका नाम है टी वन और इसका नाम है टी थ्री। टी थ्री की वैल्यू गिवन है हमें 10 न्यूटन। बेटा माइक ऑफ करे, जिस बच्चे का ऑन है माइक ऑफ कर ले बेटा। 10 न्यूटन टी थ्री की वैल्यू गिवन है। देखो टी वन और टी टू में बोलो एंगल कितना है, 90। तो टी वन और टी टू में कितना एंगल है, 90। बोलो टी वन और टी थ्री में एंगल कितना है, 90 प्लस 30। बोलो कितने का हो गया, 90 प्लस 30 कितने का हो जाएगा बेटा, 120। ये कितने का हो गया, 120। बोलो टी टू और टी थ्री में 90 प्लस 60, 150। तो ये एंगल कितने का हो गया, 150। बोलो तीनों एंगल आगे कि नहीं आगे, इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच, तीनों एंगल आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन जब आपके पास आती है, तो लेमनिज थ्योरम लगाओ। लेमनिज थ्योरम क्या कहा था बेटा, इसकी अगर हम बात करते हैं लेमनिज थ्योरम की, तो लेमनिज थ्योरम ने एक भी बात कही थी अपने पास कि एफ वन बटा साइन अल्फा, एफ टू बटा आपके पास साइन बीटा। देखो एफ वन बटा साइन अल्फा, एफ टू बटा साइन बीटा और एफ थ्री बटा साइन गामा, ये बात की थी लेमनिज थ्योरम ने। बेटा माइक ऑफ करें तो देखो एक बार, एफ वन का मतलब टी वन, देखो बेटा टी वन यही है, तो एफ वन की जगह लिखा टी वन बटा साइन अल्फा है। अल्फा एंगल क्या था, अदर दो बच गए उनके बीच का एंगल, तो अदर दो कोण बच गया, एक तो टी टू और एक कोण बचा है टी थ्री, तो इनके बीच का एंगल कितना है, 150। तो यहाँ कितना लिखूंगा, साइन 150। बोलो साइन 150 इज इक्वल टू एफ टू, एफ टू का मतलब टी टू, टी टू इज इक्वल टू साइन बीटा। टी टू के अलावा दो कोण बच गए टी वन और टी थ्री, बोलो टी वन और टी थ्री के बीच एंगल कितना है, 120। तो यहाँ कितना आ जाएगा, साइन 120। एफ थ्री तो मतलब टी थ्री, टी थ्री के अलावा दो बच गए कौन कौन, टी वन और टी टू के बीच एंगल कितना, 90। तो एफ थ्री की वैल्यू गिवन है टी थ्री की 10 और बटा कितना हो गया, साइन 90। हो गया sin। बोलो कंसेप्ट समझ में आया यहां तक। अब हम बात करते हैं बेटा टी वन, अब आप सोल्व करोगे, तो मैंने आपको कहा था इसको तोड़ लो, वैसे साइन 150 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, वैसे निकाल लो साइन 180 माइनस 30। बोलो हो गया 150। इसको भी लिख लो टी टू, क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60, ठीक है 120 हो गया। इसके बाद बोलो बेटा 10 बटा साइन 90 कितना होता है, 1। साइन 90 की वैल्यू अपने 10th में पढ़ चुके हो, इसको बोलो क्या लिख सकते हो, टी वन साइन 180 माइनस थीटा, अभी अभी बताया था साइन 180 माइनस थीटा और इज इक्वल टू क्या बताया था, साइन थीटा, मतलब साइन 30 के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, साइन 30। यहां निकालू टी टू तो साइन 60 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, साइन 60 के बराबर। कर लोगे यहां से ये वैल्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। बोलो कितना आ जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, सिर्फ लेमनिज थ्योरम हमने यहाँ पे लगाई, सिर्फ क्या लगाई है, लेमनिज थ्योरम। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं शॉर्ट कैलकुलेशन के लिए। देखो बेटा टी वन बटा साइन 30 इज इक्वल टू भी 10 लिख सकता हूँ, बोलो किसके बराबर है, ये भी 10 के, तो टी वन की वैल्यू आसानी से आ गई ना, 10 × sin 30। बोलो 10 × sin 30 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 10 × 1/2 तो टेंशन कितना आ गया, 5 न्यूटन। बोलो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। दूसरा अगर मैं निकालू यहीं से, तो दूसरे में बात करेंगे तो आप निकाल सकते हैं बेटा कितना आ जाएगा, टी टू 10 × sin 60, 10 × sin 60, 10 sin 60 की वैल्यू √3/2, तो ये आंसर 5 पे कट जाएगा, तो 5√3 कितना जाएगा, 5√3। तो बोलो पहला कंसेप्ट किसी बच्चे को डाउट है तो पूछे बेटे, पहले कंसेप्ट में जो मैंने लेमनिज थ्योरम का क्वेश्चन करवाया है, इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताए, ये आपका पहला चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है, थर्ड यूनिट। कर लोगे बेटा, यस सर।
सब कर दूं? कर लेंगे सर। यस सर। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे सर। ये क्वेश्चन सेम है जो मैंने पिछला करवाया है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन। और प्रत्येक विद्यार्थी बेटा इसको अभी करने की कोशिश करे। जस्ट मैं 2 मिनट का आपको समय देता हूँ। देखो सेम क्वेश्चन आपके सामने है। ए बॉडी ऑफ वेट 200 न्यूटन इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर, ऐसे लटकाया जाता है, तो फाइंड द टेंशन T1 एंड T2। जो क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी करवाया है, तो प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन को करें। अगर आप कर सकते हैं तो यस सर बोले, नहीं कर सकते तो मैं इसको सोल्व करवाऊं। बताओ। यस सर। प्रत्येक विद्यार्थी बिल्कुल, मैं थोड़ी सी आपको हिंट दे देता हूं क्या करना है बेटा। सबसे पहला काम आपको यहां लाइन लगानी है। लगा लेंगे? बोलो ये एंगल कितना बनेगा? 90। तो ये भी कितना बनेगा बेटा? 90। ठीक है, ये 30 है तो अल्टरनेट एंगल ये भी कितने का हो जाएगा? 30। ये 45 है तो ये भी अल्टरनेट कितने का हो जाएगा? 45। अब डायग्राम बना लेंगे। एक फोर्स ये, एक फोर्स ये, T1, ये कितना हो जाएगा? T2। ये नीचे की तरफ आपके पास मान लो T3, और इसकी वैल्यू कितनी है? 200 न्यूटन। अब लिख लो, देखो ये 30 और ये 45, तो ये हो गया अपने पास वैल्यू है जो 45 और 30 75। कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास? 75 वैल्यू आ जाएगी। तो जो अब हम यहाँ से निकालेंगे तो ये कितना एंगल बच जाएगा बोलो अपने पास? 180 में से जब 75 आप घटाओगे तो कितना बचेगा बेटा? एक सौ 5 डिग्री यहां से निकाल लेंगे। ऐसे ही बेटा हम यहाँ से देखो, 90 और 30 कितना हो जाएगा? 120। और 90 और 45 यहाँ से निकालेंगे तो ये आपके पास 135 कितना आ जाएगा? 135। ठीक है, तो ये वैल्यू बेटा आपके पास आएगी। आप इसको अच्छे से आसानी से कर सकते, कर लेंगे बेटा। यस सर, कर लेंगे सर। आप कंफ्यूज मत होना कि हम साइन 105 की वैल्यू कैसे आएंगे। साइन 105 की वैल्यू बेटा आपको या तो गिवन मिलेगी या आप इसको एज इट इज छोड़ेंगे। आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू बेटा फ्रैक्शन में आएगी। ठीक है, तो इस वैल्यू को या तो गिवन मिलेगी क्वेश्चन में आपके पास, या आप इसको एज इट इज छोड़ेंगे। ठीक है, ये मेथड था एक निकालने का, और इस क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है जो आपको नजर आ रहा है। डिटरमाइन द टेंशन T1 T2 इन द स्ट्रिंग एज शोन इन फिगर 5.30। ये फिगर आपको नहीं देखना है बेटा, आपको ये पहले वाला फिगर देखना है, ये वाला। ठीक है, इस फिगर के अंदर बेटा आपको क्या बनाना है कि सबसे पहला काम है कि टेंशन T1 की वैल्यू निकालनी है, T2 की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, ये आपके पास देखो T1 फोर्स है, T2 फोर्स है, और एक नीचे की तरफ वेट आपके पास 4 किलोग्राम वेट। 4 किलोग्राम वेट के आप न्यूटन बना सकते हैं, तो आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप लिख लें तो इसको 40 न्यूटन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 40 न्यूटन। अब इसके अंदर देखते हैं सबसे पहले कि क्या सिचुएशन अपने पास निकल के। वैसे अगर हम बेटा यहाँ से निकालें तो अपने पास क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
अगर एंगल की फॉर्म बनाए तो हम इसको देखो इस फॉर्म में लगा सकते हैं, ये आगे बढ़ा लेते हैं, ये आगे बढ़ा, तो ये एंगल आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है, ये एंगल भी आपको कितना दिखाई दे रहा है 90, ये 60 है बेटा, तो 100% ये एंगल भी कितना होगा, ये भी कितना होगा अपने पास 60। आप देखें जब सिचुएशन अपने पास ये निकल के आई है तो आप क्या कंडीशन यहां से निकालेंगे वो देखिए। इन दोनों के बीच एंगल निकल गया, इन दोनों के बीच 90 और 60, तो इनके बीच ये एंगल कितना बच जाएगा बेटा, देखो पूरा एंगल 180 का बनेगा, 60 घटा दो बाई एंगल निकाले तो कितने का बन गया 120। एक तो आप एंगल के फॉर्म में यहां से निकाल सकते, दूसरा मैं आपको एक अच्छा तरीका और बताता हूं इसको, और वो कैसे वो देखिए। दूसरा तरीका ये है कि एक फोर्स अपने पास बेटा ये है, एक फोर्स अपने पास ये है और एक फोर्स अपने पास ये है, ये है बेटा 4 किलोग्राम वेट, मतलब कितना है 40 न्यूटन। ये फोर्स है बेटा T1 और ये फोर्स है बेटा T2। पहले तो ये बताएं कि एंगल डिवाइड करने सभी को समझ में आ गया बाई एंगल मेथड, यस सर बोले बेटा, यस सर। तो बाई एंगल मेथड तो आप निकाल सकते हैं, T1 डिवाइड बाई साइन 90 कर लेंगे, T2 की बात करें तो T2 डिवाइड बाई साइन 150 हो जाएगा, 90 प्लस 60 बोलो कितना हो जाएगा 150। तो यहां से अगर मैं निकालूं तो बोलो क्या निकालेंगे, T1 बटा, तो T1 के सामने 2 T2 और T3 तो बेटा ये है, तो इसको क्या लिखे इनके बीच का एंगल साइन 90 हो गया। अगर T2 की बात करो तो T2 के सामने देखो T1 है और T3 है, तो 90 प्लस 60 150, तो मैं लिख सकता हूँ T2 बटा साइन 150। T3 की बात करें तो T3 की वैल्यू बेटा कितनी है 40, और इसके सामने एंगल बोलो कितना है 120, तो कितना लिखूंगा साइन 120। इनकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, साइन 91, साइन 150 की निकाल सकते हो, साइन 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। ऐसे साइन 120 की निकाल सकते हो, साइन 180 माइनस 60, तो साइन 60 निकाल सकते हो, और साइन 60 की वैल्यू 3/2। तो पहला दोनों वैल्यू पुट करोगे तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और बोलो किसकी निकाल सकते हैं T2। सभी विद्यार्थी को पहला मेथड समझ में आ गया, यस सर। अब मैं आपको इसी का एक दूसरा मेथड सिखाता हूँ कि इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, बहुत डीपली बहुत ध्यान से समझेंगे प्रत्येक विद्यार्थी। एक बात आप मेरे को बताएंगे कि सबसे पहले ये जो T1 कंपोनेंट है, T1 फोर्स है, मैं इसके दो कंपोनेंट रिजोल्व करता हूँ बेटा, ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक इसके कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट तो ये है ये और एक कंपोनेंट, तो इसको बेटा अगर मैं बात करूं तो मेरे को पता है कि ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना है 60, मेरे को पता है अल्टरनेट एंगल जो मैंने नीचे डिवाइड करके लिख रखा कितना है 60, क्योंकि देखो ऊपर वाला ये एंगल इसने डायग्राम में दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है ये 60, तो 100% ये भी क्या होगा 60। तो देखो ये रिजल्टेंट है T1, तो दो वेक्टर तोड़ लिए, दो वेक्टर तोड़े हैं तो ये क्या बन जाएगा T1 cos theta इसके साथ, और ये क्या बन जाएगा T1 sin theta, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, ये क्या लिख सकते हो T1 cos theta और इसको क्या लिख सकते हो T1 sin theta। अब दो वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट बोलो डायगोनल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, और ये ला बन गया पैरेललोग्राम ला, बोलो कौन सा बन गया पैरेललोग्राम ला, जो आप पढ़ चुके हैं किसके अंदर, जो आप पढ़ चुके हैं वेक्टर के अंदर, बोलो किसमें पढ़ चुके हैं वेक्टर में। तो इस T1 के दो कंपोनेंट तोड़े, एक T1 cos theta और एक T1 sin theta, और रिजल्टेंट क्या है T1, बोलो दो कंपोनेंट तोड़ लिया आपने। जैसे ही बेटा आपने दो कंपोनेंट तोड़े हैं, अब आप कह रहे हो कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, किसको फॉलो कर रहा है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो आपके सामने देखो T1 sin theta इक्विलिब्रियम है, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, तो T1 sin theta, theta की वैल्यू 60, तो sin 60 इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 40, बोलो किसके बराबर
40, ठीक है। और टी वन की वैल्यू डायरेक्ट आ गई कि नहीं आ गई, 40 बटा साइन 60, बोलो निकाल सकते हैं 40 बटा साइन 60। तो 40 साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 80/√3, ठीक है। ऐसे ही देखें आप, दूसरी भाषा में हम बात करते हैं T2 और ये, तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, ये इधर है और ये इधर है, तभी तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगा, जीरो इक्विलिब्रियम। तो बोलो T2 को क्या लिख सकता हूँ, T2 को लिख सकता हूँ T1 cos थीटा। बोलो क्या लिख सकते हैं, T1 cos थीटा। तो T2 T1 की वैल्यू ये रही 80/√3, और cos थीटा मतलब cos 60, बोलो कितना लिख सकते हैं cos 60। cos 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2, तो 80/√3 इंटू 1/2 कितने कट जाएगी 40, इसका जाएगा 40/√3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ बिल्कुल सिंपल सा था कि आपको इनके दो दो कंपोनेंट तोड़ने थे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ लिया, इसका वर्टिकल, तो इसके ये इसको बैलेंस करेगा, ये इसको बैलेंस, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे कितना होगा बेटा जीरो, और नेट फोर्स अगर जीरो होगा तो T1 cos थीटा बराबर T2 और T1 sin थीटा बराबर किसके होगा 40 न्यूटन, तभी इक्वल और अपोजिट होंगे तो भी यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी जीरो। तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से उतार लें, तो प्रत्येक विद्यार्थी दोनों मेथड का यूज करेगा इस क्वेश्चन के अंदर, और प्रत्येक विद्यार्थी बेटा इसको जल्दी से उतार लें। आशा है कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उतार लिया बेटा? यस सर। समझ में आ गया प्रत्येक विद्यार्थी के? यस सर। थैंक यू बेटा। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी बेटा, लेमनिज थ्योरम आपको करवा दिए है, आपका पहला चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, तो इसमें एक टॉपिक बचा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके न्यूमेरिकल करवाने हैं, बाकी सब टॉपिक के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवा दिए हैं। और कल से हम स्टार्ट करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर फ्रिक्शन, और अगले चैप्टर के अंदर जो आपके 21 से 28 तारीख को आपका यूनिट टेस्ट भी होना है, तो उसके लिए बेटा इसी चैप्टर की थर्ड यूनिट की आप अच्छे से प्रिपरेशन भी करें। और आज की जो वीडियो क्लास है बेटा, उसका हम यहीं पे एंड करते हैं, और प्रत्येक विद्यार्थी थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, और रेज योर हैंड्स फॉर टुडे क्लास। थैंक यू बेटा सारिका, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको पढ़ाया है, आशा है प्रत्येक विद्यार्थी को अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे आप मेहनत करते जाएं। दो मिनट का समय देता हूं, किसी का सिस्टर या ब्रदर प्लस टू क्लास में था और उसका रिजल्ट आशा करता हूँ बहुत अच्छा आएगा, तो उस बच्चे के लिए भी मैं कहता हूँ कि जिस बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, इस तरीके से आपको एक सबक लेनी है और आपको ऐसे ही इसके साथ मेहनत करते जाना है। अगर किसी का भाई बहन है और उसका अच्छा रिजल्ट आया है, तो एक मिनट का टाइम है, तो आप मुझे बता सकते हैं कोई बच्चा था जिसके अंदर उसका रिजल्ट आपको पता। थैंक यू बेटा, ऑल ऑफ यू।